डियर स्टूडेंट्स, आप चौंक रहे होंगे कि आज टाइम से पहले हम कैसे आ गए। दरअसल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए आज हम थोड़ा समय से पहले आए। आज आपको एक शानदार सेट मिलेगा। यह सेट होगा हूबहू बीपीएससी के पैटर्न पे, बल्कि आप बीपीएससी फील आप करेंगे कि आप एग्जाम में बैठकर क्वेश्चंस बना रहे हैं। यह होगा हूबहू बीपीएससी का सेट 150। कई बार स्टूडेंट्स इस बात को लेकर हमसे कमेंट पे हमसे बातें कर रहे थे कि हम इस तरह का 150 का एक साथ तो नहीं हम दे पाएंगे, हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं। एक साथ नहीं, ये कई एपिसोड में आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन आज आपको एक शानदार सेट मिलेगा और बनाने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि इस सेट को जो तैयार किया जा रहा है, तैयार किया गया है, थोड़े क्वेश्चंस बचे हुए हैं, ये शानदार है। तो इसे आप बनाएं, स्थिर होकर टाइम लेकर इत्मीनान से बनाएं। ये रात में 12 से 1 बजे के बीच तक संभव है कि आप आएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इससे पहले भी आ जाए शायद, और एक आध घंटा और लेट भी हो जाए, ये डिपेंड करता है परिस्थिति पर। तो मेरा मानना है कि 12 से 1 बजे के बीच तक या उससे कुछ पहले भी ये एपिसोड आ सकता है, लेकिन 12 बज जाएगा संभवतः। ये एक शानदार सेट होगा, आप इत्मीनान से बनाएं। क्वेश्चंस की संख्या पे आप शिकायत कर सकते हैं, चाहे संख्या उस स्तर पे ना हो, इतनी ना हो जितना आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारी भी सीमाएं हैं। लेकिन ये सेट शानदार होगा, आप इसे बनाएं। एक बात इम्पॉर्टेंट है, दूसरी बात ये है कि आपने रात भर पढ़ाई की। काफ़ी लोग देर रात तक मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग तक जग रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज आप अगर उठे होंगे उसके बाद सोकर, तो कई लोगों को ये समस्याएं आती हैं कि अब आज क्या पढ़ें, आज कौन सी किताब निकालें, क्या करें, करंट बनाएं, बिहार करें, हिस्ट्री करें, साइंस करें, ये समस्याएं जनरली आती हैं। आज से कल से हम आपको मॉर्निंग उठते ही, संभव होगा कि आप जैसे ही मॉर्निंग उठेंगे 7-8 बजे तक आपको हमारा एक एपिसोड मिलेगा, जिसमें दिन भर का आपको हम एक रूटीन दे देंगे, दिन भर का 24 घंटे का आपको हम एक रूटीन दे देंगे। इसको फॉलो करना ना करना आपके ऊपर है। कई लोग बड़े अच्छे पुराने हैं, तैयारी बहुत अच्छी उनकी है, उन्हें समझ भी सब चीज़ आता है, तो उनके लिए नहीं, जिन्हें नीड है उनके लिए 7-8 बजे तक होपफुली डेली हम आपको एक एपिसोड दिन भर का आपको हम एक रूटीन दे देंगे। अगर उससे आप फॉलो करते हैं तो हमें लगता है कि ये जो मेस क्रिएट हो गया है 20-22 दिनों का, जिसमें कई बार समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, और कुछ भी निकाल लेते हैं और पढ़ लेते हैं, फिर भी मन नहीं भरा, फिर दूसरी बुक निकाल लिया, करंट निकाल लिया, ये होता है। तो इसे काउंटर करने के लिए हम आपको ये एपिसोड देंगे। कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। हम इसे बहुत साइंटिफिक ढंग से आपको देंगे, हैफेजार्डली नहीं, बहुत सोच समझ कर इसमें आपको बेनिफिट इसका मिलेगा। तो आपको ये देंगे। अब ये आज बचा हुआ दिन है, आज जो आपका आधा दिन तो निकल चुका है, आधा दिन जो बचा हुआ उसमें आप ये करें। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत कुछ पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने को बहुत कुछ है, आप किताब निकाल कर पढ़ने लगेंगे तो बहुत कुछ है पढ़ने को, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आप सेट्स बनाएं, ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। अब आपको ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी बनाना चाहिए। हम आज आपको रूटीन दे रहे हैं, आप मौर्य काल टॉपिक पर अच्छे बुक से ऑब्जेक्टिव बना जाएं। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव अच्छा आया है, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हैं, चलता है, चूँकि इतना सा गाइड बुक में थोड़े बहुत मिस्टेक्स भी मिल जाते हैं, उसे हम लोग काउंटर करेंगे। अच्छा, क्राउन का भी ऑब्जेक्टिव का अच्छा निकाला है, इस साल ही आया है, तो ये या कोई और जिसमें टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव हैं, आप उससे मौर्य काल में, चूँकि मौर्य काल पर हमारा एक दो दिनों में पूरा ऑब्जेक्टिव का एक सेट आएगा मौर्य काल पे, चूँकि हम लोग सिंधु कर चुके हैं, वैदिक कर चुके हैं, पूरा एपिसोड हमने किया है, एक एपिसोड जो हमारा जितना हमारी सामर्थ्य हमने किया है, मौर्य काल पर एक एपिसोड आएगा आपका बहुत जल्द, तो आप इसे कर लें, ऐसे भी करना है आपको। और साइंस में आप कर लें विटामिन एंड डिजीजेस, हम आपको डेली दे देंगे। अब आज तो बहुत समय निकल चुका है, आज में बहुत छोटा सा हम आपको दे रहे हैं। हिस्ट्री में एंशियंट में मौर्य काल आप कर लें, साइंस में आप कर लें विटामिन एंड डिजीजेज, रोग, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पर बेस्ड कौन कौन से रोग हैं और विटामिन से रिलेटेड, ये ऑब्जेक्टिव आप बना लें बुक से, जिसमें सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव हैं, उससे आप ऑब्जेक्टिव ध्यान से आप बनाएं। संभव है कि हमारा भी आपको एपिसोड इस पर आएगा,
लेकिन एनी वे आप इसे करें, बहुत है इससे आपको हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा। आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपको फील होगा कि काफ़ी कुछ हमने डाइवर्सिफाइड फॉर्म में हमने किया, कुछ समझ में आई बातें। तो ये आप कर लें। और एक और टॉपिक, चूँकि रात तक आप पढ़ेंगे अगर, तो मॉडर्न में 1885 से लेकर बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन तक 1905-6 तक मॉडर्न इंडिया में आप कर लें। बस ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। आप पढ़ना भी छोड़ दें, आज आप इतना करें और उसके बाद एनालिसिस आप खुद करें, स्वयं करें, और देखें कि इससे आपका कॉन्फिडेंस कुछ बिल्ड हुआ या नहीं, कुछ लगा कि नहीं कि हमने पढ़ा। हम ये आपको बहुत साइंटिफिक ढंग से बता रहे हैं, चूँकि टाइम कम है तो उस बेसिस पे आप काम कुछ दूसरे ढंग से भी करना होगा, जो पुराना पैटर्न है उससे थोड़ा सा हटकर, खासकर वैसे छात्र छात्राओं को जिनको थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत है। तो आप इसे फॉलो करें, मौर्यकाल मॉडर्न में 1885 से बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन तक ऑब्जेक्टिव बनाना है। और साइंस में आप एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आज कर लें नहीं तो कल हम लोग करेंगे। करंट में किसी भी मैगजीन से सितंबर महीने का आपको करना है, एक दो दिनों में सितंबर महीने का एक पूरा एपिसोड आएगा जिसमें टॉप के क्वेश्चन हम आपको निकाल कर देंगे। चूँकि हम लोग 2-3 महीने का कर चुके हैं, हम जून महीने से चल रहे हैं, जून जुलाई अगस्त 3 महीने के हो चुके हैं आपको। अब सितंबर हमारा एपिसोड 2-3 दिनों में आएगा करंट पे, तो आप किसी भी मैगजीन से पढ़ें और साथ में नेट को यूज़ करें। सितंबर महीने का इंटरनेट पे कई बार स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है। अब देखिए ये बड़ी समस्या है, आपको हम बता रहे हैं कि आप ऑब्जेक्टिव बनाएं, लेकिन आपके पास बुक्स ही नहीं, तब ये कैसे होगा? ये एक बड़ी समस्या है कि आपके पास संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। दूर दराज के छात्राओं को तो और भी कुछ नहीं है। तब वहाँ पर आपको ये करना चाहिए कि आप YouTube का हेल्प लें। अब इंटरनेट पे बहुत कुछ है, पिछले साल 2 साल में इंटरनेट बहुत बदला है। आप YouTube का यूज़ करें, आप जाएं मौर्यकाल का ऑब्जेक्टिव बनाएं, आधुनिक में मॉडर्न का 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से वहाँ बनाएं, साइंस में आप कर लें, और इधर भी आप सितंबर महीने का इस तरह से नेट को यूज़ करें। कई बार स्टूडेंट्स पूछने लगते हैं कि बुक्स, अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो मार्केट में BPSC ऑफिस के गेट के पास सारा बुक्स अवेलेबल है, जो भी आप चाहते हैं आप खुद देख कर लेंगे तो यह ज़्यादा बेटर होगा। आप जाएंगे तो कुछ नई बुक्स, जो कुछ नए गाइड बुक, आप 20 दिन में बहुत कुछ नहीं लेना है, बहुत किताबें आप नहीं ख़रीदनी है क्योंकि अब समय नहीं है, लेकिन जो भी 1-2 पतली बुक, कुछ मैगजीन्स करेंट के, वो आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप पटना के आसपास हैं तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं निकल नहीं सकते हैं, दूर दराज में हैं, जॉब कर रहे हैं, बिहार से बाहर हैं, तो आप करें इंटरनेट का यूज़ करें, और आपके पास जो भी संसाधन है उसका यूज़ करें। ऑब्जेक्टिव्स को आप ज़्यादा बनाना है, और जो आप पढ़ सकते हैं, टाइम एक्स्ट्रा है तो आप पढ़ें, लेकिन हम कहेंगे कि आप ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, सेट्स बनाएं। तो आज का आधे दिन का आपको रूटीन हमने दे दिया है, मौर्यकाल आधुनिक काल में कांग्रेस की स्थापना से स्वदेशी आंदोलन तक, और साइंस में इधर सितंबर महीने का आज नहीं तो आप कल करेंगे। आज छोड़ दें जो करंट का हमने कहा, आज छोड़ दें, आज काफ़ी हो गया, कल आप कर लें सितंबर महीने का करंट, कल में रहेगा ये आप करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, सेट रात में आएगा और इतना आप कर लें। हम लोग चलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, अभी भी फाइटिंग स्पिरिट को जगा कर रखना है, बहुत कुछ होगा अभी 20 दिनों में। टेक केयर।